हाँ भाई त्यागी, तुझे लगता है तू ज्यादा स्मार्ट लगेगा हेयर कट के बाद कि मैं? मैं भैया आप इसको स्मार्ट बनाओगे? वो भैया मुझे बनाएंगे भैया, स्मार्ट बनाना, लेकिन मेरे से स्मार्ट मत बनाना है सर। मेरे को ऋतिक रोशन बना दो, इसको वो बना दो, राजपाल यादव। सो गाइस हेयर कट करवा लिया और आप देख सकते हो कि मैं ज्यादा क्लीन लग रहा हूँ। क्यों लग रहा? तू लग रहा है वैसे, त्यागी भी ठीक लग रहा है, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। चल, पर इसने क्या था कि मैं पहले बैठ गया था बाल कटवाने, तो मैंने जो अपने भैया को इंस्ट्रक्शन दिए ना, इसने मेरे इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लिए। इसने इसने बोला था मेरे को ऋतिक रोशन बना दो, इसने बोला भैया ऐसे ही कर दो, ऐसे ही करवा रहा है, तो ये गलत है ना भाई। दाढ़ी वाड़ी बनवाई है, बढ़िया। कहता धूम में जो ऋतिक रोशन वाले बाल थे ना, वो कर दो। भैया कह रहे भाई एक्स्ट्रा बाल कहां से लाऊं तेरे लिए? मैं भैया दो चपड़े मार के बाहर निकाला पहले इसको, फिर मैंने सेटिंग कराई इसकी। कांड सब हुआ था, ये बात तो है। देखिए फुल करवा रहे टंकी, हाँ पैसा बहुत है, मॉन्स्टर बिला दिया। मैं हर हफ्ते खड़ा रहा हूँ नहीं तो। त्यागी भाई जरा ये खिला दे भाई, अगर आपको याद हो तो। तू मना नहीं कर सकता मेरे को, ले ले ले, कोई क्योंकि गाइस कल क्या हुआ था भाई, दे रहा हूं। कल हम यहाँ पे आए थे, नहीं नहीं मैं अपना सामान खरीदा था, त्यागी ने मजे में बोला ये दिला दे, इसको पता था मैं मना ही करूँगा और मैं मना ही करता, लेकिन एक बार में हाँ बोला, इसको बिलीव नहीं हुआ। नहीं बोला इसने, हाँ चुप हो जा, इसको बिलीव लेके गया फिर वापसी लगे हाथ दिए, इसको बिलीव इसको बिलीव नहीं हुआ। और वैसे मैंने मांगी थी ये वाली, मैंने जब पे करा, मैंने मांगी थी ये वाली और ये रोना आ गया, दिखा रहा था वो, लेकिन इसने दिखाई ये वाली, ये इमोशनल हो गया, इसको रोना आ गया और रोते रोते मैंने चपेट लगा दी। अभी सिचुएशन ये है कि मैं कुछ भी बोलूंगा मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, जो मन कर रहा है वो ले, मना नहीं कर सकता भाई। मुझे खिला दे सबसे महंगी वाली, कौन सी है? चल छोड़ यार महंगी मूवी छोड़, एक ट्विक्स दिला दे, कितने की? एक हर्शीज दिला दे, कितने की वाली? एक हर्शीज दिला दे, ये देखो एक हर्शीज दिला दे, एक बोल के दो निकाल लिए संदीप ने। तो भाई एक सेकंड, अपना काम कर, अपना अपना कभी नहीं देखता, तेरा भी देखता, तू नहीं खाएगा, ब्लैक मार्केटिंग में मत करियो, तू नहीं खाएगा, सिर्फ अपना अपना थोड़ी देखूंगा ये कितने की है। अबे क्या कितने की है, 5-10 रुपए की होगी और क्या। हां मेरे को 10 रुपए की। त्यागी भाई ये स्कूटी कौन सी है? होंडा एक्टिवा। कब ली थी तूने? साल हो गया, सही चल रही है। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे स्कूटी वूटी लेने की, मतलब दिल तो अपना, ये पकड़ी एक सेकंड, क्या रख रहा हूँ हिलाइए मत, दिल तो वैसे अपना बाइक लेने का है, रौला भी बाइक वाला है, लेकिन बजट अपना स्कूटी वाला है। कन्वीनियंट होती है पता है, अबे मैं पानी लो पीछे डिग्गी होती है यहाँ पे भी। अबे मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग, मतलब मैं स्कूटी लूँ और तेरे पास भी स्कूटी है बाइक तो है, तो हम फिर मोटर ब्लॉगिंग टाइप से चले, स्कूटी ब्लॉगर्स करके कुछ करें, स्कूटर ब्रदर बता, ले लूँ स्कूटी, ले लो। देख गोप्रो तो है ही मेरे पास, तेरे पास भी गोप्रो, 1.5 लाख का तेरा पीसी बना है, 1.5 लाख का नहीं 1.2 का बना, 1.25 लाख मान ले, हाँ 1.25 लाख का तेरा पीसी बना है, रुक के ले लियो, रुक के ले लूँ, ले ले। अबे पैसे की कमी है क्या? हैं और कमी हो भी गई, तू नहीं है बैंकर, 5000 मेरे अभी ले ले, बाकी तू बुला ली स्कूटी ले दे, बोल बोल, चलो रुक जा रुक जा रुक जा। और गाइस दिल्ली के लोगों को तो पता ही होगा कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बारिश हो रही है, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ और मुझे भी देखने को मिल रही है हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, एक आधा बार तेज़ वाली हुई थी बट नथिंग क्रेजी, ठीक है मतलब आराम से ठीक है, मौसम बढ़ जाता है, मतलब क्रेजी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि गुड़गांव में आज सुबह से ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और गुड़गांव की कुछ पिक्चर्स मैंने अभी इंस्टाग्राम पर भी देखी, न्यूज़ों में दिखा रहे हैं कि भाई गाड़ियां तक डूबी हुई हैं, आधे ट्रक डूब गए हैं और मतलब क्रेजी, आधा बंदे के यहाँ तक पानी आ रहा है, तो मतलब गलत हिसाब हो रखा है। और गुड़गांव के जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर काफ़ी लोग गुड़गांव से वीडियोस देखते होंगे मेरी, तो भाई घर पे ही रहो, सेफ रहो, क्योंकि भाई खतरनाक लग रहा है, देख के तो खतरनाक लग रहा है, मतलब गाड़ियां तक पूरी पूरी डूबी हुई हैं। वो मार देख रही है तो मुश्किल बना रहे हो, सीधा मारो ना।
सो गाइस कैरम में तो कुछ बात बनी नहीं, बट लेट्स डू व्हाट वी आर गुड एट. अच्छा तो खैर इसमें भी न्यू, बट स्टिल वी आर डूइंग ओवरहेड प्रेस. और मैंने आपको थोड़ी एक आधा वीडियोस पहले बताया था कि मेरे राइट शोल्डर में यहाँ पे हल्का सा पेन हो रहा है, और वो पेन थोड़ा सा कम हुआ है. बट अभी भी जब मैं बैडमिंटन खेलने गया था लास्ट, तो मैंने स्मैश मारा था ऐसे. स्मैश में पूरा हाथ ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता है, तो जब पूरा हाथ ऐसे ऊपर एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे पेन होता है. तो ये एक्सरसाइज मैं जो कर रहा हूँ अभी, इसमें वेट उतना नहीं मार पा रहा, बस स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं करता रहता हूँ टू यूज सम ऑफ माई मसल्स एंड टू सी कि भाई दर्द है कि नहीं है. जब मैं इसमें कंफर्टेबल हो जाऊँगा मुझे पता लग जाएगा कि भाई वो इंजरी थोड़ी सी दब गई है. बट मैं फालतू में बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं लगाता कि कहीं वो वापस और ना बढ़ जाए. So guys, this is 12.5 on each side. मैं बहुत हैवी मार सकता हूँ. मैंने कितना मारा, 45, 65 तक तो मारा हुआ आराम से. बट इसी से काम चलाते हैं. तो गाइज कल मैंने स्विगी से किसी रेस्टोरेंट से चिकन समथिंग कुछ ऑर्डर किया था, नाम पूरा मुझे याद नहीं है. और चिकन जो आया था वो मैं सारा खा गया हूँ. और ये देख रहे हो अब सब्जियाँ बची हुई हैं, पता नहीं कौन सी है. ये ब्रोकली है, ये शिमला मिर्च है, ये रेड वाली शिमला मिर्च है, मतलब जो भी बोलते हैं उसको. और मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे अलग अलग सब्जियाँ, मुझे सबका नाम भी नहीं पता होगा. एंड गाइज आई नो कि भाई सब्जियाँ वगैरह खाना ज़रूरी है, भाई पता है मुझे. बट मैंने भाई चिकन के लिए ख़रीदा था सिर्फ, और मैं चिकन खा गया हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरा पैसा वसूल हो गया है. और मुझे ना ऐसे मिक्स सब्जियाँ बहुत सारी पसंद नहीं है. मैं एक टाइप की सब्जी बना के खा लूँगा घर पे, जो भी बनी होती है, जो मैं मस्त खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसे बहुत सारी सब्जी उसमें सॉस ज़बरदस्ती का उसको ना एक्साइटिंग बनाने की कोशिश की जाती है, मैं कभी नहीं खाता. मैं ट्राई किया था कल भी, मेरे से हुआ नहीं. ऑल्दो आई नो कि खानी चाहिए भाई, अच्छी बात है, फ़ायदा ही होगा मेरे इससे, बट नहीं हो पाया. और गाइज अभी मैं यहाँ पे आया एक मिरर शॉट लेने के लिए, अपना लाइक फ्लेक्स करने वाला था. तब मैंने देखा ये क्या है भाई, क्या है. मम्मी ने यहाँ पे कपड़े टांगे हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर जगह नहीं है. सो ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन भाई क्या है कैसे शॉट लूँ. मैं सोच रहा था इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर भी ले लूँ ऐसे करके फुल फ्लेक्स करते हुए. बट अगर मैंने इसे फ्लेक्स कर भी दिया तो कोई भी मेरी ट्राइसेप या फिर बाइसेप की तारीफ नहीं करेगा, सब यही बोलेंगे ओहो नाइस बनियान ब्रो, नाइस वाइट बनियान, बढ़िया भाई. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. और भाई प्लीज़ दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है. उसमें अभी 6,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 10,000 करने हैं, क्योंकि 10,000 के बाद थोड़ी सी चौड़ आएगी और उस चैनल के बारे में भी मैं स्टाइल मार सकता हूँ लड़कियों के सामने बेसिकली, कि भाई दो चैनल है, एक में 1,00,000 प्लस है, एक में 10,000 प्लस है, तो बोलते हुए अच्छा लगता है. अभी 6,500 बोले में ना मज़ा नहीं आ रहा, तो समझ जाओ बात. अगर नहीं करा है तो कर दो. बेशक आपको गेमिंग वीडियोज़ या फिर लाइक पॉडकास्ट वीडियोज़ जो मैं आगे करूँगा, पक्का करूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो नहीं भी पसंद तो भी कर लो, कर तो लो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़े. तो बाकी बढ़िया चल रही जिंदगी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बेस्ट. Why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me?